आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे पादाभ्यंग पैरों की मसाज क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें करनी चाहिए। पूरी जानकारी लेने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। पादाभ्यंग अर्थात पैरों की मालिश, आयुर्वेदिक वे से अगर हम यह मसाज करते हैं पादाभ्यंग कहलाता है। पैरों की मालिश किन लोगों को करनी चाहिए? पैरों की मालिश जो लोग ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, जिनका ज़्यादा दिन भर चलने फिरने का काम है, पैरों में थकान शुरू होती है, तो ऐसे में रात में प्रतिदिन आपको पैरों में मालिश करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा है। अगर पूरे शरीर में मालिश ना भी कर पाए तो भी सिर और पैर, ये दो हिस्से ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन मालिश करें तो बहुत फायदा होता है। पैर सुंदर बनते हैं, बलवान बनते हैं, फटे हुए एड़ियों में भी आराम मिलता है। दूसरा, जो लोग ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, चिंताग्रस्त ज़्यादा रहते हैं, टेंशन स्ट्रेस जो होता है वह भी इससे रिलीफ होता है। जिनको रात को नींद नहीं आती उन लोगों के लिए भी यह मसाज बहुत अच्छी है। रात को सोते समय आप 10 मिनट के लिए खुद या अपने किसी फैमिली मेंबर से यह मसाज करा लें तो उससे बहुत लाभ होता है। टीवी देखते समय, बातें करते समय आप करा सकते हैं। आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी पैरों की मालिश अच्छी होती है। आप अपनी आँखों, आपकी आँखों में ड्राइनेस रह रही है या आँखों में कम दिखना शुरू हो गया है, प्रतिदिन आप उस समय पैरों की मसाज कराएं तो स्वास्थ्य लाभ उससे आपको मिलता है। तो जानते हैं कैसे करनी चाहिए पैरों की मसाज। इसके लिए आप कांसे की बनी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या तेल का प्रयोग किया जाता है, दोषों के हिसाब से करते हैं। अगर वात दोष बड़ा है, शरीर में दर्द ज़्यादा है, शूल ज़्यादा है या पूरे पैर में दर्द है, ऐसी हालत में तिल के तेल से, महानारायण तेल से जो पैरों के तलों की अगर मालिश करते हैं तो उससे लाभ होता है। अगर पैरों में जलन जाता है तो देसी गाय के घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अगर आप मालिश करते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे जो कलर होता है मालिश करने के बाद, धीरे धीरे कलर ग्रे कलर का, स्लेटी कलर और कुछ लोगों में काला रंग आ जाता है। घबराने की बात नहीं है, इससे जो शरीर के बड़े हुए दोष हैं वो निकलते हैं। और कई जो शुगर के रोगी तो ये बताते हैं कि उनके पैर तो काले हो जाते हैं, तो यह शरीर के दोषों को शांत करता है, इसीलिए पादाभ्यंग प्रतिदिन जरूरी है। किन रोगों को नहीं करना चाहिए इसका भी ध्यान रखना है। अजीर्ण के रोगियों में जिनका खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ उनको नहीं करना चाहिए। कोई पंचकर्मा की थेरेपी अगर आपने ली है तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी आज के व्यस्त समय में टाइम तो है नहीं तो क्यों करें, हम तो लेट आते हैं, 5-6 घंटे नींद के होते हैं, उस समय अगर मालिश करने बैठ जाएँ तो नींद अधूरी रह जाएगी। अगर आप मालिश करके सोते हैं गहरी नींद आती है, कम समय की नींद के कारण कई बार तेजाब, एसिडिटी, अपचन की समस्या बन जाती है। यह तेजाब की समस्या और आपको गहरी नींद आने के कम समय की नींद के लिए भी यह फायदेमंद है। 20 मिनट कम नींद ले लो पर गहरी नींद लो वो ज्यादा अच्छा है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे जो फायदे होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।